गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपना जो टॉपिक चल रहा था सिंथेसिस, उसमें हमने सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सेंटेंसेज, ये थर्ड और लास्ट पॉइंट हमने ले रखा था, जिसमें कि दो सिंपल सेंटेंसेज आपको दिए हुए हों और उनसे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएं, इसको हमें सीखना था। तो इसमें रूल्स जो चल रहे थे अपने, उन रूल्स में पहला जो रूल है वो हमने लिया था यूजिंग नाउन क्लोज, नाउन क्लोज का यूज करके। उसमें फिर फाइव पॉइंट्स थे, एक नाउन क्लोज का यूज हम कैसे करें, नाउन क्लोज से हम टू सिंपल सेंटेंसेस से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएं, इस पे हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट हमने लिया था वो था सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ये हमने कर लिया था। जो फर्स्ट टाइप है कि एक सब्जेक्ट के रूप में हम किस तरीके से नाउन क्लोज का यूज करते हैं, ये एग्जांपल हम कर चुके थे इस पर कि एक सब्जेक्ट का हम किस तरह से नाउन क्लोज के रूप में यूज करते हैं। फिर बी हम पॉइंट लेंगे ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, यानी एक ऑब्जेक्ट के रूप में हम नाउन क्लोज का यूज कैसे करते हैं, ये हमें सीखना है। तो इसके लिए एग्जांपल देखिए कि कैसे ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब को आप यूज करते हो, मीन्स एक सेंटेंस को आप ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लोज कैसे बनाते हो। फर्स्ट जो लिया था हमने ए पॉइंट, उसमें नाउन क्लोज को सब्जेक्ट कैसे बनाया यह आपने सीखा था। इसमें सीखोगे कि नाउन क्लोज जो होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, तो इस बात को हमें देखना है। देखिए इसे फर्स्ट एग्जाम्पल है अनूप इज ए पॉलिटिशियन, एवरीवन नोज इट। अब देखिए जो आपको दो सेंटेंस दिए उनमें अनूप इज ए पॉलिटिशियन, एवरीवन नोज इट, इस सेकंड सेंटेंस में क्या मिल रहा है आपको, यहाँ इट मिल रहा है। इस इट में आपको ये देखना है कि ये इट इस पूरे सेंटेंस को रेफर कर रहा है, और ये इट यहाँ किस रूप में है, ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में है तो इसको हम ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब के रूप में एक नाउन क्लोज बनाएंगे, वो कैसे बनेगा देखो, एवरीवन नॉज दैट, इसमें जो कंजक्शन है सबऑर्डिनेटिंग वो क्या लगेगा, दैट ही लगेगा। जब सब्जेक्ट टू ए वर्ब करो चाहे ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब लगो, इसमें दैट का ही यूज होता है। तो एवरीवन नॉज दैट अनूप इज ए पॉलिटिशियन, अनूप इज ए पॉलिटिशियन, हो गया सेंटेंस। चलो सेकंड सेंटेंस लो। अब इसमें अनूप इज ए पॉलिटिशियन है ना, ये क्या बन गया, एक नाउन क्लोज है, ये नाउन क्लोज है, लेकिन ये किस रूप में है, ऑब्जेक्ट के रूप में है यहाँ पर नाउन क्लोज, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। फिर सेकंड एग्जांपल और देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पीपल बिलीव इट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पीपल बिलीव इट। फिर यहाँ इट आ रहा है, ये किसके लिए है, फर्स्ट सेंटेंस के लिए, ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो आप इसको कैसे बनाओगे, पीपल बिलीव दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इज द बेस्ट पॉलिसी। यानी आपके पास टू सेंटेंसेज हैं सिंपल सेंटेंस,
और उसमें आप नाउन क्लोज का यूज किस रूप में कर रहे हो, एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हो जो सेंटेंस है, इसीलिए इसका नाम अपन क्या दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। पहला जो कल हमने किया वो क्या था, सब्जेक्ट टू ए वर्ब। ये आज जो हमने पेस्ट पॉइंट किया वो क्या है, सब्जेक्ट टू ए वर्ब। अब जो थर्ड पॉइंट इसमें बनता है वो थर्ड पॉइंट रहेगा सी कहें हम इसे, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। यानी प्रीपोजिशन के साथ हम ऑब्जेक्ट का यूज करके ऐसे सेंटेंसेज को बनाएंगे, इसलिए इसका नाम ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन होता है। ऐसा एग्जांपल देखिए कैसे हम नाउन क्लोज का यूज एक प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, इसे भी देखिए। फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, आई टॉट यू दैट यस्टरडे, आई टॉट यू दैट यस्टरडे। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, जो दो सिंपल आपको दिए हुए आएंगे, आई टॉट यू दैट यस्टरडे, कि मैंने कल आपको जो कुछ पढ़ाया था, जो कुछ आपको बताया था, यू मस्ट रिलाई ऑन इट, आपको उस पर विश्वास करना चाहिए। अब ये मैं सेंटेंस बोलूं तो यहां पर देखिए फिर इट तो आ रहा है लेकिन ये ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं है, यहाँ किसके बाद में है, ये प्रीपोजिशन के बाद है। पहला जो अपन ने लिया इसमें देखिए ये इट कहाँ था, वर्ब के बाद, मीन्स ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन क्यों लिखा हमने, क्योंकि इसमें ये प्रीपोजिशन के बाद है। अब प्रीपोजिशन के बाद है तो आपने यहाँ इट है उसका यूज ऐसे ही किया है, लाइक ऑब्जेक्ट ही होगा। जैसे ही सेंटेंस को आप क्या कहोगे, यू मस्ट रिलाई ऑन, अब दैट नहीं आएगा, क्या आएगा इसे दैट की जगह, क्योंकि दैट तो ऑलरेडी दे रखा है, तो वॉट आएगा ऐसे सेंटेंसेस में, यू मस्ट रिलाई ऑन वॉट दैट आई टॉट यू। क्या बना सेंटेंस, यू मस्ट रिलाई ऑन What I taught you, what I taught you yesterday। अब देखो इसमें सॉरी that भी लिख दिया ना, that नहीं आएगा क्योंकि इसकी जगह that की जगह तो हमने क्या लिख दिया, what, क्योंकि that already दे रखा था। तो ध्यान रखना है ऐसे जो sentences आए जिनमें that already दे रखा हो आपको, उसमें दैट की जगह आपको किससे जोड़ना पड़ेगा उस सेंटेंस को, व्हाट से। अब इसमें भी हमने लाइक ऑब्जेक्ट ही यूज किया लेकिन प्रीपोजिशन के बाद में हमने ये एक नाउन फ्रेज लिखी है, ये प्रीपोजिशन के बाद में है ये नाउन क्लोज जो दिया हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है। तो प्रीपोजिशन के बाद में जब ये होगा ऑब्जेक्ट तो हम ऐसे इस प्रकार से इसका यूज करेंगे। अब जो नेक्स्ट बनता है वो होगा कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, अगला जो पॉइंट बनेगा इसमें कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। कॉम्प्लीमेंट जो होता है सेंटेंस का उसका यूज हम किस तरीके से करें वो हमें देखना है। जैसे इसके एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, राम हैज फेल्ड इन नीट 2020। इसी में जो सेकंड सेंटेंस होगा, जो सेकंड सेंटेंस होगा इसका जिनको हमें जोड़ना है उसको देखिए,
कि राम अब नीट 2020 में क्या हो गया, असफल हो गया। अब रीजन क्या था इसका, द रीजन इज हिज केयरलेसनेस। क्या था रीजन उसका, उसकी लापरवाही थी, केयरलेसनेस था। अब इस सेंटेंस को हम कॉम्प्लीमेंट का यूज करके ही जोड़ सकते हैं, मीन्स हम ना सब्जेक्ट ना ऑब्जेक्ट के रूप में, नाउन क्लोज ना एक प्रीपोजिशन के बाद में, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको कॉम्प्लीमेंट का यूज करके ही जोड़ सकते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ से लोगे हम इस सेंटेंस को कि द रीजन ऑफ राम्स फेल्योर इन नीट 2020 इज हिज केयरलेसनेस, ये बनेगा। द रीजन ऑफ राम्स फेल्योर इन नीट 2000 इज हिज केयरलेसनेस, मीन्स इस हैज फेल्ड जो है ना, इसको हमने किस में कर दिया, राम्स फेल्योर, इसको हमने कॉम्प्लीमेंट बना दिया लाइक, और कॉम्प्लीमेंट का यूज करके, और इसको इसके तुरंत बाद हमने वर्ब लगा दी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। तो कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब का यूज इस तरीके से हमें करना होता है। तो कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब यूज हुआ, ये हुआ इसका फोर्थ पॉइंट। अब जो फिफ्थ और लास्ट पॉइंट इसका बनता है वो होगा इन अपोजिशन टू ए नाउन। क्या होगा, इन अपोजिशन टू ए नाउन, इन अपोजिशन टू ए नाउन, इन अपोजिशन टू ए नाउन। इसके लिए यदि हम एग्जाम्पल्स की बात करें कि किस तरह से इसका एग्जाम्पल आता है और इसको हमें किस तरीके से कंप्लीट करना है, तो इसको देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल इसका, मिस्टर अमन वॉज शॉट डेड मिस्टर अमन वॉज शॉट डेड द न्यूज स्प्रेड, द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द विलेज। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को जब हम करेंगे तो मिस्टर अमन वो शॉट डेड, मिस्टर अमन है उसको गोली मार दी गई, ये न्यूज है वो पूरे गांव में फैल गई। अब क्या कहोगे, द न्यूज़, जब केस इन अपोजिशन यूज करोगे, द न्यूज़ दैट मिस्टर अमन वाज शॉट डेड स्प्रेड ऑल ओवर द विलेज। इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा, ये केस इन अपोजिशन हो गया। केस इन अपोजिशन क्या हुआ, द न्यूज दैट मिस्टर अमन वॉज शॉट डेड, ये केस इन अपोजिशन हो गया। न्यूज कौन सी, मिस्टर अमन वॉज शॉट डेड, ये केस इन अपोजिशन बन गया। वर्ब सेंटेंस में दी हुई थी, उसको हमने उठा के फिर केस इन अपोजिशन के साथ में रख दिया। इस तरीके से इन अपोजिशन टू ए नाउन, ये नाउन क्लोज के रूप में यूज किया जा सकता है। तो ये हुआ फर्स्ट, जो नाउन क्लोज का यूज हम कैसे करें, इन फाइव टाइप से नाउन क्लोज का यूज होता है। बाकी आपको जो नोट्स हैं वो टॉपिक फिनिश होते ही आपको दिए जाएंगे, उनसे इसको भली भांति समझना है। एक बार आप केवल इसके वीडियोज़ हैं उनको ही देखेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।